हे गाइस, फास्टिंग स्पेशल वेजिटेबल चीला डाइटिशियन आप सबके लिए लेकर आ रहा है। ये जो चीला है आपको देगा एकदम फुल एनर्जी। बनाना बहुत आसान है और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइस, शुरू से लेकर आखिर तक इस रेसिपी को देखिए और ट्राई कीजिए इस डिफरेंट चीले को इस फास्टिंग में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने ली है रेड कैप्सिकम, थोड़ी सी ली है येलो कैप्सिकम और थोड़ी सी ली है गाजर। तो तीनों ही सब्जियों को हमें एकदम बारीक और पतली कट करनी है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ जिंजर और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच कुट्टू का आटा। बहुत ज़्यादा कुट्टू का आटा नहीं डालना है, 3 चम्मच मैंने डाली है और ये जो पोर्शन है एक दो लोगों के लिए काफ़ी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर और डालेंगे 2 चम्मच सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम पोटैटो, इनको मैंने उबाल कर मैश कर लिया था। इससे क्या होता है चिल्ली में क्रिस्पीनेस आती है बहुत अच्छी और बढ़िया भी रहता है। थोड़ा सा स्पाइसी के लिए डालेंगे ग्रीन चिल्ली और इन सब चीज़ों को चम्मच के द्वारा आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद गाइज अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ आप पानी में डालिए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए चम्मच के द्वारा। तो बेसिकली हमें एक यहाँ पर पेस्ट बना लेना है, लेकिन पेस्ट जो है बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इसकी जो है आपको परफेक्ट रखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालकर मैंने जो पेस्ट है वो बनाकर रेडी कर लिया था और ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब गाइज हम यहाँ पर लेंगे तवा। तो तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए, इसके ऊपर अच्छे से घी डाल दीजिए और घी अच्छे से जब गर्म हो जाए तब हम इसके ऊपर चीले को सेकेंगे। तो देखिए इस तरह से घी को आप अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। और अब हम लेंगे पेस्ट और यहाँ पर आपके ऊपर है टोटली गाइज, अगर आपको बड़े चीले बनाने हैं तो बड़े बना सकते हैं, छोटे बनाने हैं तो छोटे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो थोड़े छोटे साइज़ के चीले बना रही हूँ। आप देख सकते हैं पेस्ट आप डाल दीजिए चम्मच के द्वारा और इस तरह से इसको स्प्रेड कर दीजिए। और फ्लेम जो है आपको रखनी है यहाँ पर लो टू मीडियम, तेज़ फ्लेम मत रखिए, अदरवाइज चीले जो है वो जल जाएंगे और अंदर से सिकेंगे भी नहीं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इनको सेकना है। और देखिए 3 चीले एक बार में आराम से आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दी और घी डाल दीजिए आप चारों तरफ और इनको सिकने दीजिए अच्छे से। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना आसान है इनको बनाना और बहुत ही हेल्दी है और फास्टिंग में बहुत ही बढ़िया रहते हैं, हैवी भी नहीं होते। तो इस तरह से आप इनको पलटते जाइए और इनको सेकते जाइए तो एकदम क्रिस्पी जो है चीले बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि खाने में बहुत डिलीशियस लगते हैं। और फास्टिंग में जैसे कि कभी कभी आप पूरी कचौड़ी या पकौड़ी बना के खाते हैं, बहुत हैवी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और हैवी भी नहीं होंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं धीरे धीरे आप इनको दोनों साइड से प्रॉपरली सेकते जाइए और चीले जो है एकदम परफेक्टली आप देख सकते हैं बन चुके हैं और गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो आपको जितने क्रिस्पी खाने हैं आप उनको सेक लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो जो है ये बनकर रेडी हो चुके हैं गाइज। तो बस अब इनको हम करते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो सर्विंग जो है इसमें आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। मैं इनको सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ। तो ये मैंने मिंट और धनिया को डालकर चटनी बनाई है। तो गाइज़ रेसिपी आपके सामने है, आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना और सबसे अच्छी बात है कि हेल्दी है, डिलीशियस है और एकदम मज़ेदार रेसिपी है। तो इन नवरात्रों में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी गाइज़ पसंद आए तो चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर इसको टेस्ट करते हैं। अब तो गाइस रेसिपी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ कि आपको ये कैसे बनके तैयार हुई है। तो गाइस बहुत ही बढ़िया अलग तरह की रेसिपी फास्ट में खाने के लिए। आपको टेस्ट भी बढ़िया बना है इसका और बनाना आसान है और फुल एनर्जी आपको इसमें मिलेगी फास्ट में। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और रेसिपी अगर पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगी। तो फिर गाइस एंजॉय करिए नवरात्रों में अलग तरह की रेसिपी।